श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मेरी प्यारी माताएं एवं बहनों, खुशहाल जिंदगी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे इस प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह बताएंगे कि सुहागिन महिलाओं को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुहागिन महिलाएं जो हैं अपने पति की सौभाग्य के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए शादी के बाद जो है 16 श्रृंगार करती हैं, और वे गले में मंगलसूत्र, माथे पे सिंदूर तथा हाथों में चूड़ियां, ये तीन चीज़ें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। तो यह श्रृंगार जो है पति के नाम पर ही किया जाता है और इसे महिलाएं बहुत आकर्षक और सुंदर लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार में कुछ चीज़ों का गलत रंग का चुनाव जो है उनके पति के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें रंग होते हैं जो अपने सुहाग में नहीं लाना चाहिए, जिससे उनके पति पे बुरा प्रभाव पड़ता है। वही असावधानियां ना महिलाएं करें, इसी से संबंधित आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सुहागिन महिलाओं के सौभाग्य की निशानी होती हैं चूड़ियां। चूड़ियां पहनने के साथ साथ उनके कलर भी बहुत माने रखता है। तो हमें आज आधुनिक जमाने में किसी भी कलर की चूड़ियां महिलाएं अपने साड़ी का जो है सेट लगाने के लिए पहन लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें जो है शास्त्र के अनुसार कुछ नियम कानून होता है, उसी के अनुसार चूड़ियां पहनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सुहाग के से संबंधित होती हैं चूड़ियां। क्योंकि बुरे रंग की चूड़ियां जो है इसका हमारे पति के लंबी उम्र पर भी बुरा असर पहुँचता है। तथा हमें किस दिन चूड़ियाँ खरीद के लाना चाहिए और किस दिन चूड़ियाँ नहीं लाना चाहिए और किस हाथ में कितनी चूड़ियाँ पहनना चाहिए, इस सब का बहुत ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को मंगलवार और शनिवार के दिन तो किसी भी कीमत पर चूड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है और उनसे उन्हें पति पे दुर्भाग्य पड़ता है, उनकी उम्र पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और हमें जो है किस हाथ में किस रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए और किस रंग की किस समय चूड़ियाँ पहननी चाहिए, इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो जो है महिलाओं को पूजा में खास करके लाल चूड़ियाँ, पीली चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। और महिलाओं को सबसे पहले जो है दाहिने हाथ में चूड़ी पहननी चाहिए और दाहिने हाथ में एक चूड़ी ज़्यादा पहननी चाहिए और कभी पूरा हाथ खाली करके चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। एक चूड़ी जरूर हाथ में रहनी चाहिए, इससे दोष पड़ता है। और अपनी टूटी हुई चूड़ी हाथ में कभी कभी महिलाएँ कि हमारे सेट की है पहन लेती हैं। टूटी चूड़ी तो कभी नहीं पड़ना चाहिए हाथ में, इससे हमारे पति के लंबी उम्र में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आजकल फैशन और मैचिंग के दौर में महिलाएं कभी कभी अपने साड़ी की सेट की मैचिंग के लालच में काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियां पहनती हैं, जो कि बिल्कुल अशुभ मानी जाती हैं। और यह चूड़ी जो हमारे पति के लिए बुरा किस्मत लेकर आती हैं और नकारात्मकता फैलाती है, इससे हमारे पति के ऊपर नकारात्मकता फैलती है। तो कभी हमें काली और सफ़ेद चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इसी के साथ जो हमें अगर हम सावन के महीने में किन्नर को हरे रंग की चूड़ी दान करते हैं तो इससे हमारे घर में धन की वर्षा होती है। इन सब बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए, इसी के अनुसार चूड़ियाँ पहनना चाहिए। मानते हैं कि आधुनिक ज़माना है, आप उतना वो नहीं कर सकती, फिर भी सुहाग तो सुहाग होता है, उसका तो पालन करना ही चाहिए। अगर आप नहीं मानती तो फिर आप कुछ सिंदूर बिंदी किसी भी चीज़ को नहीं पहनना चाहिए, अगर मानती हूँ तो उसके शास्त्रों के अनुसार ही पहनना चाहिए। यही तो कहना हमारा धर्म था, हमने बताया अपने वीडियो में, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पति की लंबी उम्र रहे। यही छोटी छोटी सावधानी के साथ हमें चूड़ियाँ पहननी चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। हमें कभी शनिवार और मंगलवार को चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए और काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। तो हमें सूत पातक और पीरियड, इन तीन समय में भी चूड़ियाँ जो है कुर्री नहीं पहननी चाहिए।
और हमें कोरी चूड़ियाँ पहनने से पहले अगर माता के चरणों में चढ़ा के पहने तो ये बहुत शुभ होता है। इसमें माता रानी का आशीर्वाद रहता है जिससे हमारे पति की लंबी उम्र बढ़ती है। और हमें अपनी पहनी हुई चूड़ी हाथ से निकाल कर कभी अपने भाभी और जो अपने कोई फ्रेंड हो उनको नहीं देना चाहिए। इससे हमारे सौभाग्य की हमारे पति की लंबी उम्र घटती है। ये सब सावधानियों के साथ हमें चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यही से हमारे पति की लंबी उम्र का सब बात होती है। यही सब कहना था। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।